जसरा बाईपास निर्माण के विरोध में किसानों ने रैली निकाल कर किया विरोध। प्रयागराज जनपद के 12 तहसील के अंतर्गत जसरा बाईपास के विरोध में किसानों ने सरकार तानाशाही पर उतारू किसानों की तानाशाही के नारे लगाते हुए रैली निकाल कर विरोध किया। वहीं मजदूर किसान कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा के नेतृत्व में शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने की शुरू होने के संकेत दिए। मजदूर किसान कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व मजदूर किसान कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा किया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि जसरा बाईपास के निर्माण में बहुत से किसानों का उचित मुआवजा नहीं दिया। इसके विरोध में पचखरा गांव में किसान कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा जेसीबी के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं कुछ किसानों को घूरपुर थाना प्रभारी संजीव चौबे थाने में उठा ले आए थे। उसी के विरोध में आज पचखरा गांव से पांडर गांव तक रैली निकाली गई। के मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण यह रैली निकाली गई। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उनकी जमीन से बाईपास निकाला जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाए। विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, पुत्र दयाराम श्रीवास्तव, निवासी कुटवारन कपूरा का कहना है, जसरा बाईपास निर्माण में हमारी भी जमीन चली गई, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। क्षेत्रीय लेखपाल पांडर का कहना है, जिन भी किसानों की जमीन बाईपास में गई है, सबकी फाइल लगी है, बहुत जल्द मुआवजा मिल जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी बारा सुदन अब्दुल्ला ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है, जिन किसानों को मुआवजा मिल चुका है उसी की जमीन से अब बाईपास निकाला जा रहा है। बब्बन सिंह, बनारसी लाल तिवारी, भोला तिवारी आदि भुक्तभोगी किसान है, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उन्हीं की जमीन से बाईपास निकाला जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने जुलूस निकाला है, क्या कारण है? कारण यह है कि हम लोगों की जमीन जा रही है, लेकिन हमको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। हम किसान लोग क्या करेंगे, हमारे पास है क्या? बस यही जमीन तो है, हमारे बच्चे, हम लोग रोड पे आ गए हैं, तो हमको उसका मुआवजा दे, लेकिन अच्छे ढंग से देना। ये नहीं कि हमको टुकड़ों में दे रही है, टुकड़ों में मत दे, हमें जो दे अच्छे ढंग से दे। या तो फिर ऐसा नहीं कर सकती है सरकार, तो हमें इस जमीन के बदले अन्य जमीन दे, ठीक है? इसीलिए आप लोगों ने जुलूस जी, हम लोग डटे रहेंगे तब जब तक हम लोगों का हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हमारा यूनियन हमारे साथ में है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में है, ठीक है? आना होगा, नहीं वो आते हैं वो अपने अधिकारी कर्मचारी किसी को भी भेजें, लेकिन हमारे साथ वो अन्याय नहीं कर सकते। अन्याय करेंगे, हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय मैं अनुराधा वर्मा। आप लोग जुलूस नहीं करा, उसका उद्देश्य क्या है, किस कारण? ये उद्देश्य ये है कि हम सब किसान एक हैं, और अगर सरकार हमारा उचित मुआवजा नहीं देती तो हम किसानों की लाशों पे ये बाईपास बनेगा। ये हमारा उद्देश्य है। कल जिस तरीके से एसडीएम बारा द्वारा, जैसे अंग्रेजों के जमाने में लोग आते थे, छाता कर लगा कर खड़े थे, बाकी पूरे किसान भीग रहे थे, और किसान जब रोक रहे थे तो किसानों के साथ गड़बड़ता किया जा रहा था, और वो ही करवा रहे थे। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि यह देश क्रांतिकारियों का है। ये आज़ादी जो हमको मिली थी वो इनके अधिकारियों को राज करने के लिए नहीं मिली थी, इस देश की जनता की सेवा के लिए मिली थी, इस किसानों की सेवा के लिए मिली थी। जो उसका है वो दुरुपयोग करके हमारी ज़मीनों को औने बौने दाम पौने दाम पर हड़पना चाहते हैं, उसको हम लोग उसके विरोध में यात्रा थी। और यह यात्रा का ये बड़ी यात्रा है, और ये यात्रा जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक ये यात्रा जारी रहेगी। ये भी कह सकते हैं किसान अंतिम यात्रा तक, अपने अंतिम यात्रा तक इस लड़ाई को लड़ेगा। और मैं अपने जो किसान हमारे हैं उनका भी कहना है, मेरा भी कहना है कि मैं अगर नहीं जीत पाया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस बाईपास के लिए लड़ेंगी, और बिना सरकार को मुआवजा दिए बिना ये हम लोग नहीं लड़ेंगे। कल कुछ लोगों को किसानों की गिरफ्तारी की गई थी, क्या? हाँ, किसानों की गिरफ्तारी की गई थी, फिर शाम को उन्हें छोड़ दिया गया, लोग पास ला कर के दिए थे। तो सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। आपका परिचय? के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ किसान मोर्चा। आज आप लोगों ने जुलूस निकाला, इसका उद्देश्य क्या है, किस कारण आप लोगों ने जुलूस निकाला? जुलूस निकालने का विशेष और सबसे प्रथम उद्देश्य जो है,
जिस प्रकार भारतवर्ष में सरकार कहती है कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ जिनकी सड़क ली जा रही है उनकी सड़क का उचित मुआवजा देकर के सड़क ली नहीं जा रही, उनकी सड़कों को हड़पा जा रहा। और आज उसी उद्देश्य से भारतवर्ष के लगभग बहुत सारे किसान जिन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस जमीन की कीमत 50 लाख रुपए मार्केट है तो ये 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये बताइए कि जब वो किसान 50 लाख की जमीन कब्जा हो जाएगी, सरकार ले लेगी, कब्जा कर लेगी, वो 10 लाख मुआवजा लेकर के क्या करेगा, जब उसकी औकात 50 लाख की आप 10 लाख की औकात कर रहे हो। और आप कहते हो कि हम किसान को पैसे वाला बनाने के मूड में हैं, हम पैसे वाले बनाने की नीत हम चला रहे हैं। आज यही मुद्दा है, यहाँ से सड़क जानी है जहाँ अभी तक किसानों को ज़मीन के हिसाब से मुआवजा नहीं मिला, उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके उनको दे दिया गया और उनसे कहा जाता है कि हाँ तुमको मुआवजा दे दिया गया है। उनको ना ये बताया गया है कि आपकी कितनी ज़मीन आई है, कितने ज़मीन का कुल मूल्य कितना होता है, सरकारी मालियत कितनी है, और गुणा 3 करके या गुणा 4 करके जो सरकार उन्हें पैसा देती है वो गुणा 4 करके क्या होगा, कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। बस उनको ये बोला जा रहा आपका मुआवजा पहुँचा दिया गया। ये बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है, क्योंकि यह मात्र जसरा का विषय नहीं, यह चिल्ला मोड़ पे हम खड़े हैं, यह चिल्ला सड़क जाती है और इसी के बगल से एक बाईपास जसरा बाईपास निकल रहा है। ऐसे कई जगह हैं, मेरे पास निरंतर ये शिकायतें आती रहीं, लेकिन आज से जनसंघ ने हमने यह आंदोलन प्रारंभ किया है और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ हैं, कहाँ कि कमिश्नर जी भी यहाँ हैं, और यह आंदोलन आज से निरंतर चलेगा और जब तक पूरे भारतवर्ष में किसानों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, उनको सरकार उनका हिसाब नहीं बता देती कि आपको इस हिसाब से ये मुआवजा दिया गया है, तब तक। और किसान जब विरोध करता है तो सरकार अपनी हनक दिखा करके गलत एफआईआर करने का बात कहती है, जेल भेजने की बात कहती है, उन्हें डरा धमका करके शांत कर दिया जाता है। मैं आह्वान करता हूँ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक किसानों का कि आप सब आंदोलन करिए, खड़े होइए और अपने अधिकार को मांगिए, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, भिखारी नहीं। और अन्नदाता का अधिकार उसकी ज़मीन है, और उसकी ज़मीन अगर कोई ले रहा है तो उसे उचित मुआवजा मिलना प्रत्येक अन्नदाता का अधिकार है। आपका परिचय? मेरा नाम कुलदीप पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जनसंघ।